हेलो क्लास फेप, वेलकम टू लर्न विद जेनिट गुरु। तो बच्चों आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का है। तो ओके, दिस इज पार्ट 2। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो आज का हमारा पार्ट क्या है, पार्ट 2। ओके, तो यहाँ लिखा है हाउ मैनी स्क्वायर। ओके, चैप्टर का नाम क्या था, हाउ मैनी स्क्वायर। हमने इसका पार्ट ए पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ा है, आज इसका आगे का पार्ट हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना हमें, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों ने भी ऑलरेडी बुक ओपन कर ली होगी, मैंने भी बुक ओपन कर ली है। हमने ऊपर का चैप्टर लर्न कर लिया, अब हम यहाँ से करेंगे। तो स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था, स्क्वायर में बहुत सारी चीज़ें भी और भी मैं बताई हूँ, आगे भी बताऊँगी। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बना दिया, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं बता पढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के जो चारों एरियाज हैं, दिस पार्ट दिस साइड एंड दिस इज आल्सो, ठीक है। ये चारों एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर्स कहते हैं। स्क्वायर का एक है, हम कहेंगे क्या, ये जो एरिया है बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, बाउंड्री, पेरीमीटर, जो कि हम पढ़े भी हैं, बाउंड्री। और ये जो इसकी इंटरनल पार्ट है, जस्ट लाइक दिस, ये क्या है, आपके एरिया है, हम इसे क्या कहेंगे, एरिया, ठीक है। बाउंड्री पेरीमीटर अलग होता है और एरिया अलग होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, एरिया इसे हम कहेंगे और बाउंड्री या पेरीमीटर दोनों मतलब दोनों का नाम सेम है, उसे हम इस पार्ट को हम बाउंड्रीज कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखा है हाउ मैनी स्क्वायर इन मी, एक गर्ल है वो क्वेश्चन पूछ रही है, हाउ मैनी स्क्वायर इन मी, मेरे अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। देखो अब ये क्या बना हुआ है, आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल शेप बना है। क्या, कौन सा शेप बना है, रेक्टेंगल शेप बना है, और इस रेक्टेंगल शेप के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना है, ट्रायंगल, ठीक है। अब इस पहले तो ट्रायंगल बना है, दूसरा चीज आप देखोगे तो इस रेक्टेंगल शेप के अंदर दो दो स्क्वायर हैं, अगर हम इसे हाफ कर दें तो एक स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी एक नहीं दो स्क्वायर शेप हमें इसमें मिल गए। मतलब कितने सारे हमें शेप्स मिले, पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, थर्ड ट्रायंगल, तीनों शेप्स हमें एक ही पिक्चर्स के अंदर मिल गए। अब चलिए देखो बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या पूछता है। द ट्रायंगल इज हाफ, ओके, ट्रायंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया टू स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर, सो इट इज एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर। लिखा है द ट्रायंगल इज हाफ, मतलब जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल को अगर हम यहां से यहां तक कर देते हैं तो उसका हाफ पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होगा, हाफ हाफ पार्ट होगा। तो वही बोला है द ट्रायंगल इज हाफ, ट्रायंगल आपका हाफ है, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर द एरिया टू स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ देखिए इसको मैंने हाफ कर दिया तो टू स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया ना, वन सेंटीमीटर ये, वन सेंटीमीटर ये, टू स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सो इट इज एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इट इज एरिया मतलब एरिया कौन सा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप पहले ये देखो, ये टू है, अग हाफ है। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जब हम बच्चों रेक्टेंगल को बीच से करते हैं तो दो स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल भी तो टू पार्ट में हो गया, वन पार्ट ए वन पार्ट, वन एंड टू, ठीक है। तो आप यहीं पे लिख दोगे, सो इट इज एरिया इज वन स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वन स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये दूसरा स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग, ओके, एक बिग शेप है, उसका हाफ क्या है, रेक्टेंगल। आप देखो एक रेक्टेंगल शेप का शेप बना हुआ है, ठीक है। इस शेप के अंदर आप ध्यान दोगे तो इस शेप को हाफ कर दिया गया है, इस रेक्टेंगल शेप को, ये देखो ब्लैक साइड से किया है ना, इसे क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सो इट इज एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर हमें बताना है। तो सबसे पहले आप इसे देखो, इस पिक्चर को, पिक्चर को देखोगे तो इस रेक्टेंगल के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, मतलब कितने एरियाज हैं, उसे फाइंड आउट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके, एट स्क्वायर्स हैं। एट स्क्वायर्स को उसने ट्रायंगल के शेप के अंदर बनाया और उसे हाफ कर दिया, ठीक है। तो हाफ, अब एट का हाफ आपका कितना होगा,
वन पार्ट, मतलब एट का हाफ पार्ट कितना होगा? हाफ पार्ट आपका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दिस शेप बिलो। देखिए जो अभी मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आना ही आना है। आपको एक कोई कोई भी शेप बना के दे देगा और बोलेगा कि आप एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से सुनना और आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं बताऊंगी भी, आगे भी पढ़ाऊंगी, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। देखिए लिखा क्या है, राइट द एरिया, आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दिस शेप बिलो। कुछ शेप्स यहाँ पे बने हैं, उस पर हमें एरिया फाइंड बनना है, फाइंड आउट करना है। जैसे अब देखो ये ट्रायंगल बना है, ये रेक्टेंगल बना है, कुछ ऐसे भी शेप्स बने, स्टार के भी शेप्स बने हुए, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बच्चों, जैसे जिस पिक्चर पे ये सारे शेप्स बने हैं वो शेप हमें इसके अंदर भी लाने होंगे, तभी हमें पता चलेगा। जैसे कि मैं, जैसे इस ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक है, अब इस ट्रायंगल को हम, जैसे ये सारे बने हुए हैं ना, लाइन लाइन से खींचे हुए हैं, सारे स्क्वायर्स बने हैं, इन्हीं स्क्वायर्स को हम इसके ऊपर लाते हैं पहले, ठीक है? अभी देखिए ये बीच से यहां से कट होगा, कट होके इसके पास जाएगा, नेक्स्ट ऐसे बन गया, सारी ये लाइंस होते ऊपर में ही होते, ठीक। अब हम क्या करना है, हमें इसमें स्क्वायर सर्च करने, कितने स्क्वायर्स हैं। अगर आप मोस्टली ऐसे देखोगे, बोलोगे मैम यहाँ तो सिर्फ हमें 1, 2 एंड 3 स्क्वायर दिखे, बाकी तो कटे फटे दिख रहे हैं। नहीं, जो आपके हाफ दिख रहे हैं या हाफ से भी कम दिख रहे हैं या 1/3 पार्ट जिसका दिख रहा है, वो भी आपका स्क्वायर है, आपका एरिया फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है? उसको भी हम लेंगे। अब कैसे लेंगे मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आप काउंट कर लो इसे, 1, 2, 3। 3 तो आपके क्लियर क्लियर एरियाज कंफर्म हो गए, स्क्वायर्स के एरियाज क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हम ऊपर वाले सॉरी ये वाले पार्ट को देखेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट अभी भी खाली है, ठीक है? अगर हम इस पार्ट को इस वाले पार्ट से ऐड कर दें, जस्ट लाइक दिस ऐड कर दें, तो क्या एक एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? तो ये हमारा 1, 2, 3, ये हमारा 4 हो गया। चलिए अब 4 हो गया। अब इस पार्ट को इस वाले पार्ट से हम ऐड करते हैं, ठीक है? हाफ हाफ है ना, जैसे कि होता है कि हम कोई स्क्वायर दे दिए, उसको हाफ पार्ट कर दो, तो एक ट्रायंगल शेप भी निकल के आता है ना। तो अब वही है, अब हम इस पार्ट को इस पार्ट से ऐड कर दिए तो भी हमें एक स्क्वायर शेप मिला, मतलब हमें एक एरिया फाइंड आउट हो गया, ठीक। तो चलिए ये 4 हो गया और ये मिला के आपका हो गया 5। अब आपका क्या बचता है बच्चों, ये वाला पार्ट। अगर इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से ऐड कर दें, ध्यान से सुनिएगा, इस वाले पार्ट को अगर इस वाले पार्ट पे, मतलब ये जस्ट लाइक दिस अगर यहां पे लाके रख दे, तो ये भी एक आपका स्क्वायर भी बन जाएगा और एक एरिया स्क्वायर है तो एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो बन गया ये 5 आपका 6, मतलब 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा जब भी आप लिखना तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दीजिएगा, डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। पहले भी मैंने क्वेश्चन में बताया था और इस क्वेश्चन में भी मैं यही क्वेश्चन जवाब दे रही हूँ। चलिए अभी आपका हो गया, नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये है आपका एक रेक्टेंगल शेप। अब इस रेक्टेंगल शेप में बच्चों अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो उसका बैकग्राउंड है ना स्क्वायर्स के बने हुए, हम पहले ऊपर लेके आते हैं, ला दिया, चलो एक एक करके हम इसे ऊपर लाते हैं। देखिए आ गया, अब इसके ऊपर ही सेम वही लाइन जाएगी। देखिए मैंने अपने हैंड से किया, आप स्किल से करोगे तो इक्वल सारे शेप्स बनेंगे, ठीक है? अब देखिए ये एक क्या है हमारा रेक्टेंगल शेप। अब इस शेप्स के अंदर भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो एरिया सबसे पहले जो क्लियर है उसे हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। 4 तो हमारा एरिया क्लियर हो गया, नो डाउट। अब चलते हैं, मान लो बच्चों हम 1, 2, 3, 4 इन 4 पार्ट्स को अगर हम एक साथ ले आए तो एक एरिया हमारा फिर से फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। 4 मान लो हम ये आपका 5 हो गया, मतलब 1, 2, 3, 4 सबको एक साथ अटैच कर दे, ये हो गया। नेक्स्ट अगर चलते हैं बच्चों, तो
तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को, दोनों एरिया को एक साथ लेते हैं, या इन दोनों को, ठीक है, सामने सामने, तो ये हमारा हो गया 6, ठीक, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 7, ये आपका 8, और दिस वन ऑल्सो 9। तो ये आपका कितने एरियाज हमने फाइंड आउट किए, 9 एरिया, कितने 9, तो आप यहां पे लिख दोगे 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर से बोल रही हूं, जब भी आंसर लिखिएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा आपने, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पिक्चर को देखेंगे बच्चों। फिर से मैं कह रही हूं, आपके बैकग्राउंड जो बना हुआ है स्क्वायर शेप, उसे आप क्या करोगे, फ्रंट पे ले आओगे। चलिए फ्रंट पे, ऑलरेडी इसमें दिख भी रहा है, बट हम फिर से आपको कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है, आ गया। अब आप इस पिक्चर में देखोगे, छोटा सा पिक्चर है, तो सबसे पहले हमें जो क्लियर एरिया, हमारे क्लियर एरियाज फाइंड आउट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन ओके, 1 एंड 2, ये 1 है, ये आपका 2 है, 2 एरिया तो हमारे क्लियर हो गए। अब क्या बचता है हमारे पास, और बाकी जो बचे खुचे हैं उनके एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं। हेलो पुनीत, ओके चलो, अब ये दोनों एरिया तो हमारे ऑलरेडी क्लियर हो गए, दूसरी एरिया को देखते हैं। अगर हम इस पार्ट को, जैसे जस्ट लाइक ये ट्रायंगल शेप है, ठीक है, अगर इसी ट्रायंगल शेप को हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एक एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा और एक स्क्वायर शेप भी मिलेगा, मतलब स्क्वायर शेप के अंदर ही एरिया आता है, ठीक है। तो ये और ये आपका हो गया आपका 3, ठीक है, दोनों को, दिस वन ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगर देखेंगे बच्चों, अगर इस पार्ट को यहां से ले आए, तो ये आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, हाँ पूछिए क्वेश्चन पुनीत। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, यहां हम एक और काम भी कर सकते हैं, अगर हम इसी पार्ट को घुमा के अगर यहाँ पे लेके आते हैं, तो एक एरिया आपका ये बनता है, और इसको हम यहाँ पे घुमा के ले, सॉरी इसको आप इरेज कर दो पहले, ठीक है, आप इसको इरेज कर दो। आप क्या करो, दिस पार्ट जो ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, आप इसको वाले पार्ट को यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है, तो ये भी आपका एक स्क्वायर सेंटीमीटर बनेगा, और ये एक एरिया भी फाउंड आउट, मतलब 1, 2, 3 एंड 4, मतलब 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, गॉट इट, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर है आपका डी। अब डी को फाइंड आउट करते हैं, डी के एरियाज को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये पिक्चर बना है, ठीक है, डी का क्वेश्चन है, डी का है। अब यहां पे हम देखते हैं कि कितने इसमें एरियाज हैं, जो क्लियर एरिया है पहले उसको देख लेते हैं। क्लियर एरिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे क्लियर क्लियर दिख रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे इक्वल है, तो मतलब हमारा एरिया भी क्लियर है और स्क्वायर शेप भी बन गया प्रॉपर, गॉट इट। नेक्स्ट पे देखते हैं बच्चों, आप देखोगे इस एरिया में एक ट्रायंगल शेप आया, मतलब स्क्वायर का हाफ कर दिया तो एक ट्रायंगल शेप बन के आया। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो एक और ट्रायंगल शेप बन के आया, ठीक है, दिस पार्ट, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, दोनों को अगर आप एड करते हो तो आपका एक और एरिया फाइंड आउट हो जाता है, जो कि आपका 6 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे दिस वन, ओके, अटैच कर दोगे तो एक और एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, तो आप लिख दोगे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोथ आर सेम, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पिक्चर को क्लियर करते हैं, आप लोग स्केल से करिएगा, मैं यहां पेन से कर रही हूं केवल समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और दिखने में भी अच्छा लगेगा, लाइन सेम होनी चाहिए, बिल्कुल आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए,
बना दिया, अब इधर का बना लेते हैं, ठीक है, बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, एरिया को फाइंड आउट करते हैं। जो क्लियर एरिया है उसे प्रॉपर पूरा क्लियर लिख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 एरियाज हैं जो स्क्वायर शेप में बने हुए हैं, वो प्रॉपर क्लियर है, उसमें कोई नो डाउट कि कुछ मतलब ऊपर नीचे कुछ ऐसे कुछ है, ठीक है। 18 एरिया है, पूरे क्लियर है हमारे स्क्वायर शेप में। नेक्स्ट चलते हैं, जो बचे हैं हमारे इस पिक्चर में, जो बचे हुए हैं उसको देखते हैं कि वो किससे किससे क्या ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगर हम इस ट्रायंगल, जो ये एक स्क्वायर शेप बना हुआ है, ये हाफ बना है, अगर हम इसी स्क्वायर शेप को इसके अंदर ले आए, ठीक है, या एक काम करें, इन तीनों स्क्वायर शेप को हम यहां पे लाके चिपका दें, ध्यान से सुनिए, इन तीनों स्क्वायर शेप को उठा के हम यहां पे लाके चिपका दें। मान लो मैंने एक ये वाला उठाया और यहां ला दिया, दूसरा वाला यहां पे उठाया यहां पे ला दिया, तीसरा वाला उठाया यहां पे ला दिया, बन गया, बन गया प्रॉपर हमारा एरिया, एरिया भी हमारा बन गया और हमारा स्क्वायर शेप भी क्लियर हो गया। तो ये हो गया बच्चों आपका 19, दिस वन 20 एंड दिस वन आल्सो 21। तो टोटल कितने आंसर हुए हमारे एरियाज, हमने फाइंड आउट किया 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाले में चलते हैं, फोर्थ वाले का बना हुआ है, जो क्लियर है उसे लिख लो, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, अभी देखो आप यहाँ पे हमें क्या क्या अब उसके अलावा ऐड करना है, हम इस पे फोकस करते हैं। अगर हम इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो हमारा एक और एरिया बन जाएगा, दिस इज कॉल 5 नंबर, ओके 5 नंबर का एरिया। अगर हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे उठा के लेके आए तो ये हमारा बन जाएगा 6, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे उठा के लेके आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे उठा के लेके आएंगे तो हमारा बन जाएगा 8। तो टोटल हमने पूरा फाइंड आउट कर दिया, और कितने एरियाज बने हैं, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, ओके, एनी प्रॉब्लम। चलिए इतना तो हमारा क्लियर हो गया, और फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ एक क्वेश्चन को, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, आपको मतलब सॉरी एरिया फाइंड आउट करना है, कुछ भी ऐसे पिक्चर्स दे देंगे और क्वेश्चन दे देगा कि आप एरिया फाइंड आउट करो, तो ये आना ही आना है, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करना। चलो अब आगे चलते हैं, ट्राई ट्रायंगल्स। अब कुछ ट्रायंगल्स बने हैं किसमें, शेप्स के अंदर, कौन कौन से शेप्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल है, वो सब तो मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे बना है कुछ, देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोथ द बिग ट्रायंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव सेम एरिया, ओके। अभी आप देखोगे एक रेक्टेंगल बना है, क्या बना है, रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आप देख रहे हो दो ट्रायंगल्स बने, एक ब्लू कलर के बने हुए हैं, एक रेड कलर के बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम ब्लू कलर वाले रेक्टेंगल को सॉरी ट्रायंगल को देखते हैं, तो ये रेक्टेंगल का हाफ मान सकते हैं बच्चों इसको हम, ठीक है, रेक्टेंगल का पार्ट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, बना दिया, और इसका एक पार्ट हाफ कर दिया, तो एक ट्रायंगल शेप निकल के आया। ट्रायंगल शेप इसमें दो बने हैं, एक ऊपर नीचे नहीं, उल्टा है, बट है बना दो है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीना बोल रही है, बट दिस लुक वेरी डिफरेंट साहिद सादिक। तो सबसे पहले क्या है, द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ लिखा है क्वेश्चन में, द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। जो बिग रेक्टेंगल है ना ये बना हुआ, मैंने पहले ही बताया इसका क्या है, ये हाफ है। एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब अब ये जो पूरा एरिया बना हुआ है, एरिया कितने का है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम पहले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं लिख रही हूँ, आप लोग लिखिएगा मत, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, आप फिंगर से भी काउंट कर सकते हो, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का हमने एरिया पहले बना हुआ है, अब उसका हाफ बना क्या है ट्रायंगल। तो बच्चों नॉर्मल सी बात है, अगर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक एरिया बना हुआ है, अगर हम उसका हाफ करते तो हाफ नॉर्मल सी बात है, हमें पता चल जाएगा कि वो कितना है, 10 होगा। 20 का हाफ तो 10 ही होता है ना। तो हम इस एरिया को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, वैसे करके भी देख सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन से ही समझ जाते हैं कि हाँ इसका हाफ पूछा है तो इसका कितना होगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख दोगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्रायंगल, अब रेड ट्रायंगल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो चलिए रेड ट्रायंगल का हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए हाँ पहले यहीं पे कर लेते हैं। अब ये रेड ट्रायंगल है, पहले मैं इन सबको इरेज कर दूं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोले है व्हाट अबाउट रेड ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल लिखा है। अब देखो रेड ट्रायंगल में देखो तो जो क्लियर है 1 2 3 4 एंड 5, 5 तो आपके क्लियर है जो एरियाज है। अब बाकी एरियाज को हम बच्चों देखते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इन दो एरियाज को, ठीक है, इन दोनों एरियाज को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये इन एरिया को 7, दिस वन 8 9, और ये ऐड होगा तो आपका 10। तो टोटल ये भी आपका 10 ही है। चलिए अब आगे चलते हैं। इन द थ्री एरिया टू हाफ ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल, इन इट देयर आर टू हाफ, देयर आर टू हाफ मतलब टू हाफ यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक येलो पार्ट बना है, एक ग्रीन पार्ट बना है, बना क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर टू पार्ट्स बने हैं, वही पे बोला टू डिफरेंट रेक्टेंगल, और इन दोनों पार्ट्स में दो डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, गो बैक टू योर सीट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ये बना दिया, ये है आपका येलो पार्ट जिसमें बना है एक ट्रायंगल इस रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, ये आपका दूसरा है, ये आपका दूसरा है, दिस पार्ट डिफरेंट दिस पार्ट डिफरेंट, ठीक है, एक ही शेप्स के अंदर बना है। शेप क्या है आपका, रेक्टेंगल, सॉरी इसको थोड़ा मैं मैक्सिमाइज कर देती हूँ। ओके, लिखा है नाउ यू फाइंड द एरिया, अब क्या करना है हमें, एरिया को फाइंड आउट करना है ऑफ द टू रेक्टेंगल्स, ये टू रेक्टेंगल्स बने हुए हैं उसके अंदर हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सादिक इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल, सादिक क्या बोला है, रेड ट्रायंगल है उसकी एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया कि इसी एक रेक्टेंगल के अंदर टू को टू पार्ट्स में कर दिया है, एक येलो एक ग्रीन, तो हम दोनों को अलग अलग पार्ट्स में निकालेंगे। ठीक है, रेड हमें पूरा रेड का निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑरेंज वाले सॉरी येलो वाले पार्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो येलो का देखते हैं बच्चों, तो ये है 1, ठीक है, ये आपका 2 है, ये 3 है, 3 तो हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इस पार्ट को इस और इस पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। ओके, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4, और ये पार्ट ऐड होगा तो हमारा 5 हो जाएगा। इधर का तो हमारा 5 है, नेक्स्ट इधर देखते हैं, ये है 1, ये है 2, ओके, ये और ये होगा आपका 3, इसको इसको कहेंगे 4, मतलब 5 ये 5 है और ये 6 होगा आपका 5, दिस इज 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 4, टोटल आपका कितना हुआ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने पूरे रेड ट्रायंगल को एरियाज को पूरा फाइंड आउट किया तो हमारे कितने निकले एरियाज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो रेड एरिया का आप आंसर लिख दोगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यस यू आर राइट, एंड यू नो दैट यू नो व्हाट, यू कैन ड्रॉ मैनी मोर ट्रायंगल्स ऑफ एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इन दिस रेक्टेंगल, ट्राई ड्रॉइंग देम।
ठीक है, अभी तो वो आंसर उसको मिल गया। अब वो क्या कह रही है कि आप इसके अलावा और भी बहुत सारी शेप्स बना के उसके अंदर एरियाज को फाइंड आउट करो, ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल का शेप बनाओ, उसे फाइंड आउट करो। ये एक एक्टिविटी है जो आपके लिए दी जा रही है। तो मैंने इतने सारे बताए, आप खुद से भी वर्क करो जिससे आपको क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए अब आता है कंप्लीट द शेप। अब आप इन शेप्स को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। तो ठीक है, अभी एक काम करते हैं, आप यहाँ से इसको इसके पार्ट में नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, अभी वहां तक आप अच्छे से रिवीजन करो, जितना मैंने समझाया उतना आप समझिए, फिर इसको पार्ट सी में मैं इस वीडियो को डालूंगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।